फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सविता एंड नलिन ब्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का सीज़न आ गया है और हमारे पास आ गई है मेथी। ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रेश मेथी है, बिल्कुल मार्केट में आजकल सब जगह अवेलेबल है। और मेथी के साथ हम लाए हैं सोए का साग। तो आज हम बनाने वाले हैं सोया मेथी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जो मेथी और सोए हैं इनको अच्छे से साफ़ करेंगे। इनकी ये डंडियाँ जो हैं इनको निकाल के, इनके पत्ते अलग करके इनकी कटिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी सब्जी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले इनको साफ़ कर लेते हैं, फिर हम इसको वॉश करेंगे। तो चलिए हम बताते हैं आपको किस तरह से इसको साफ़ करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हम जो भी उसकी डंडियाँ हैं उसमें से निकाल के इस तरह से पत्ते पत्ते हम निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सोए का भी करेंगे। तो चलिए अब सारी जो है हम मेथी को साफ़ कर लेते हैं। और अगर इसके बीच में कई बार क्या होता है कि घास भी मिक्स होती है, तो वो घास को निकालना है और खाली हमें इसमें मेथी को ही यूज़ करना है। तो चलिए अब इसको पहले सारा साफ़ कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हैं कि हमने ये जो है बिल्कुल धो के साफ़ करके बिल्कुल ये क्लीन कर लिया है। इसको अच्छे से 3-4 बार पानी में धो लिया है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा ड्राई भी कर लिया है 2-3 घंटे रख के। तो चलिए अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कटिंग के लिए हम इस तरह से एक एक बंच करके लेते जाएंगे मुट्ठी में और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम इसकी सारी की कटिंग कर लेंगे। और ये देखिए, बारीक बारीक बिल्कुल हमें इसको कट करना है, मोटा मोटा नहीं रखना है फ्रेंड्स, इसे हमें बिल्कुल बारीक काटना होता है। और इसे जैसे साग बनाते हैं कुकर में, उस तरह से नहीं बनाना है, इसे सिर्फ कटिंग करना है। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसे हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। अभी हम इसमें एक इन्ग्रीडियंट और डालेंगे फ्रेंड्स, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे द्वारा बनाई गई नई नई डिशेस देखने को मिलती रहें। तो चलिए अब आपको सारी कटिंग होने के बाद दिखाते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब हमारी जो मेथी है और सोए हैं ये हमने काट लिए हैं। साथ में हम जो एक इंग्रेडिएंट कह रहे थे फ्रेंड्स, वो हम डाल रहे हैं इसमें आलू। आप इसमें मटर, गाजर कुछ भी डाल सकते हैं, पर हम इसमें आलू डाल रहे हैं। तो चलिए अब इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं और इसे तड़का लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, तड़का लगाने के लिए हमने कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ी मोटी ही लें, पतली ना लें। तो सोए मेथी की सब्ज़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, हमें सरसों का ऑयल यूज़ करना चाहिए, रिफाइंड नहीं, क्योंकि सरसों के ऑयल में ये सब्ज़ी बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है। तो पहले हम सबसे पहले हम ऑयल को अच्छे से गरम करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हम क्या क्या मसाले इसमें यूज़ करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, तेल हमारा थोड़ा सा अगर गरम हो जाता है तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले मेथी दाना। और मेथी दाने से हम इसमें जो तेल जो है उसको अच्छे से जला लेंगे। फ्रेंड्स, ये रिकमेंडेड है कि मेथी की सब्ज़ी में मेथी दाना ज़रूर डालें, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक बार ये मेथी जो है वो ब्राउन हो जाए, फिर हम बाकी के मसाले अपने ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। वैसे तो मोस्टली लोग जानते हैं कि ये कैसे बनती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नहीं पता कि ये किस तरह से बनती है। तो हम आपको इसका बिल्कुल सिंपल सा मेथड बता रहे हैं। कोई प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक इसमें यूज़ नहीं होता है, सिंपल सी सब्ज़ी बनती है मसालों के साथ सिर्फ। तो देखिए, अब हमारी मेथी जो है वो ब्राउन हो गई है, तो अब एक एक करके हम अपने मसाले इसमें डालेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगा इसमें जीरा, जीरा के बाद डालूँगा हल्दी, नमक स्वादानुसार, करीब आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा हींग,
थोड़ी सी लाल मिर्च। और फ्रेंड्स पहले हम इन मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारे मसाले जो हैं वो अच्छे से तेल में भुन गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पहले अपने आलू। सबसे पहले हम इसमें आलू डालेंगे। और आलू को हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। इसमें आलू फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है फ्रेंड्स, क्योंकि मेथी जब पकेगी तो वो अपना पानी छोड़ देगी। और अब हम डाल देंगे इसमें मेथी और सोए जो हमने काट के लिए थे। जैसे जैसे ये गर्म होती जाएगी ये अपना पानी छोड़ देगी। आप इसे एकदम से काट के धो के भी ले सकते हैं, पर हमने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। इससे क्या होता है इसकी जो मिट्टी होती है बिल्कुल वो निकल जाती है। और अब क्या करेंगे हम इसको सारे मसालों को मेथी के साथ मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स, और गैस को कर देंगे थोड़ा सा सिम। ये देखिए फ्रेंड्स पहले कितनी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे गर्म हुई वैसे ही इसने अपना पानी छोड़ना शुरू किया और रिड्यूस हो गई। ये देखिए, और इस तरह से अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे और ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ढक्कन लगाने से पहले सोचा आपको एक बार दिखा दूँ कि ये देखिए मेथी ने कितना पानी छोड़ दिया है। ये ऑयल नहीं है फ्रेंड्स, ये देखिए मेथी का पानी है। अब इसी पानी में ये ढक्कन लगा के सिम गैस पे करीब 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे, और जिसमें हमारे आलू भी गल जाएंगे और सब्ज़ी भी जो है अच्छे से पक जाएगी। तो चलिए अब इसे ढक्कन लगा देते हैं और फिर आपको 15 मिनट बाद दिखाते हैं इसको कि ये किस तरह की रेडी हुई है। तो बस अब इसे कवर कर दिया है, अब 15 मिनट बाद देखेंगे सब्जी कैसी प्रिपेयर हुई है। अब फ्रेंड्स 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो मैं इसे चेक करने आया हूँ कि कहीं हमारी मेथी जो है वो नीचे तो नहीं लग रही है। नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से पक रही है और इसमें मॉइस्चर भी काफ़ी अच्छा है अभी। तो चलिए अब इसे होने देते हैं और जब ये कंप्लीट होती है फिर ये आपको दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स अब 15 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी मेथी अब बिल्कुल तैयार है। फ्रेंड्स इसकी एक ही पहचान है, अगर हमारे आलू गल गए हैं, ये देखिए आलू कितने सॉफ्टली कट रहे हैं, ये देखिए, तो हमारी सब्जी तैयार है। बाकी आप जितना चाहें उतना भून सकते हैं इसको, ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसकी प्लेटिंग करते हैं, और आप इसे परांठी के साथ, चपाती के साथ, जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है और इसकी खुशबू चारों तरफ महक रही है इस टाइम। फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी, और मेरी तो फेवरेट सब्ज़ी है। सिर्फ मिलती विंटर्स में ही है ये विंटर्स में ही आपको मिलेगी। अप्रॉक्स अक्टूबर मंथ से स्टार्ट होती है फ्रेंड्स, और फेब्रवरी एंड तक आपको ये मेथी मार्केट में अवेलेबल मिलेगी। तो चलिए अब इसकी प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये हमारी स्वादिष्ट सी सब्जी बनकर तैयार है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी किस तरह की लगी। और इस रेसिपी को फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।